ये इनका कितना बड़ा फेलियर है, इस तरह की जो क्लॉजेज, जो इस तरह की लैंग्वेज का आना, इन लोगों का कितना बड़ा जो है वो फेलियर है इनकी एफर्ट्स का। आप जिस चीज को फेलियर कह रहे हैं वो उस चीज को एक फोन करते हैं एज अ सक्सेस। अब ये देखें, यही तो मैं कहता हूँ कि एक आदमी का विजडम इतना ज्यादा कि वो सक्सेस के तौर पर कबूल कर रहा है, और जबकि पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और मुख्तलिफ सारे उसको क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इंटरेस्ट के खिलाफ है। मैं नहीं कहता किसी के साथ, पाकिस्तान शुड हैव द बेस्ट ऑफ रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी तक हमने प्रूव भी किया कि हमने किस हद तक कॉपरेट किया, और अभी इस स्टेज पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी अपने इंटरेस्ट के लिए बोलना चाहिए, एंड आई एम श्योर इट विल बी रिसीव विद कंसिडरेट मैनर, एंड यू बी ट्रीटेड लाइक अ कंट्री विच डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। तो आपको लगता है कि हमारे जो निगोशिएटर्स हैं, जो अमेरिका से बात करते हैं, वो मतलब अप टू मार्क नहीं है अपने जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है फिलहाल? पॉइंटर्स के जिन लोगों ने नेगोशिएट किया, फ्रेंकली स्पीकिंग, लाइक यू कीप सेइंग अबाउट द एंबेसडर इन यूएसए, के बाद मेरे आपकी तरह तो लाजमी बात है, देखिए जिस दिन आपके स्टेक्स होते हैं उसके साथ आपका इंटरेस्ट होता है। अब देखिए आपकी अपॉइंटमेंट दूसरी तीसरे तरीके से या इधर जो कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक पाकिस्तान में एक चीज हो जाना चाहिए कि या यू शुड बी अ प्योर पाकिस्तानी सिटीजन विदाउट होल्डिंग अ सेकेंड पासपोर्ट और अ ग्रीन कार्ड टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आपके पास प्राइम मिनिस्टर आगे ग्रीन कार्ड और फॉरन पासपोर्ट है, 5-6 साल शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर विद पाकिस्तानी पासपोर्ट, यू होल्ड ग्रीन कार्ड, इट्स यू बैक टू अनदर वर्ल्ड, एंड लुक एट द मिजरी यू पाकिस्तान इन, योर प्रेसिडेंट हु वाज प्रेसिडेंट फॉर 9 ईयर्स, ही इज नाउ गॉन अब्रॉड, ही कैन कम बैक टू द कंट्री। तो जब आपके पास इस किस्म की लीडरशिप की गुंजाइश हो, Shaukat Aziz came from nowhere and he was elected MLA from even a remote constituency of Sindh. He was elected MLA on 2 constituencies to become the Prime Minister of Pakistan. ये हो सकता है कि आप किसी पाकिस्तानी अमेरिकन को आज बोले कि यूनाइटेड स्टेट से या यूके से या फ्रांस से जो पाकिस्तानी सिटीजन है उसके आगे है, और आपने घर में काउंसिलर की तरह से जीत के दिखाए। तो द पॉइंट इज के जब आपका सारा एवरी सिस्टम इज सो रॉटन कि एनीथिंग कैन हैपन, इफ आई एम इन पावर आई वांट टू मेक फैसल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड नथिंग कैन स्टॉप मी, तो अगर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे आप ये बताएं। मैं तो आई एम एट अ लॉस टू एक्सप्लेन टू यू एंड योर फ्रेंड्स एंड अदर लिसनर्स एज टू हाउ दीज थिंग्स कैन बी पुट राइट। आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दे रूल द कंट्री फॉर 6-8 years, शौकत अजीज एंड मुशर्रफ, वेयर आर दे टुडे, व्हाई आर दे नॉट अमंगस्ट अस टू आंसर अस कि वाई वी आर इन सच अ मिजरेबल स्टेट। तो ये चीजें इस तरह मुल्क अगर चलते रहेंगे तो तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, प्रेसिडेंट कैंप में जो है, थोड़ा जरा प्रेसिडेंट साहब की मैं बात करना चाहूँगा इस बिल के हवाले से। प्रेसिडेंट कैंप में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस बिल की हमायत में बातें की जा रही हैं, बल्कि उन्होंने जो है वो अपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको भी अपने प्रेसिडेंसी में बुलाया, और उनसे यही बोला कि इस मुल्क इस बिल की जो मुखालफत की जा रही है उसका जो है बहुत जारहाना जो है अंदाज में जवाब दिया जाए। अभी जो है मतलब इस तरह से ये अब समझा जा रहा है कि ये बिल की जो मुखालफत है वो जो है वो जरदारी की मुखालफत होगी अगर ये इस बिल की मुखालफत की जाएगी, ये जो प्रेसिडेंट के स्पोक्समैन। हाँ जी, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप ये जो अभी पीएम साहब और जरदारी साहब और ये जो आर्मी चीफ की मुलाकात वगैरह होगी, इस आप कितना लगता है कि प्रेसिडेंट कैंप में जो है वो तब्दीली आएगी उनकी सोच में? जहां तक कैरी लूगर बिल के ऊपर है, मेरा ख्याल है इसमें मुकम्मल तब्दीली आएगी। इन द नेक्स्ट 2 डेज यू विल सी द नेशनल असेंबली पासिंग समथिंग व्हिच इज इन अकॉर्डेंस टू द डिजायर्स एंड विशेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान।
अगर आप अगर ये जो है कैरिलुगर बिल मुस्तरद हो जाता है पाकिस्तान की पार्लियामेंट से, तो आपको लगता है कि अमेरिकन कांग्रेस जो है वो इसकी रिस्पेक्ट करेगी और उसमें जो है उसमें दुरुस्तगी लाने की कोशिश करेगी और जो लैंग्वेज है उसको ठीक करने की? ये तो हम पर है ना, आपको जबरदस्ती तो कोई पैसे नहीं दे सकता, आप पैसे ना लें। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन ये है कि वो ये कोशिश करेंगे कि इस बिल को वो ठीक करें, या कि वो कह देंगे अच्छा ठीक है आपने मुस्तरद कर दिया, वी कैन नॉट एडिट द लैंग्वेज और हम जो है यही लैंग्वेज रख के करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि वो रिस्पेक्ट देंगे? वो बात ठीक है, लेकिन आप मेरा ये सवाल है कि अमेरिकन कांग्रेस जो है वो इस बात को ऑनर करें? देखें फैजल, वहाँ पर उधर से बिल जब पास हो गया ना, तो उनके वहाँ जब बिल पास होता है उस पर वोटिंग होती है, तो द बिल इज पास इन अ मैनर दैट इट इवन सेज टू दिस मच दैट इट इज सो मेनी वर्ड्स, इट सो मेनी कैरेक्टर्स, उसमें आप एक कॉमा भी चेंज नहीं कर सकते। सही, अगर उसमें चेंज करना हुआ एक कॉमा भी, इट हैज टू टेक द सेम रूट ऑल ओवर अगेन। आई डोंट नो इफ दे विल गो थ्रू दैट। आपके ख्याल में पाकिस्तान को जो है वो ये बिल टोटली रिजेक्ट कर देना चाहिए, या कि इसकी जो मुतनाज़ा क्लॉजेज हैं उनको करना चाहिए, और आपका जो अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ये बिल पाकिस्तान के लिए ठीक है अगर इसकी क्लॉजेज को जो है वो हम सही कर दें, कि ऑल टुगेदर इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए हमें, क्या हमें नहीं चाहिए 1.5 बिलियन की जो इमदाद है 5 साल के लिए? एज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, और अगर ये बिल हमें सब्जुगेट करता है तो फिर इसको आउटराइट रिजेक्ट करना भी अगर हो पड़े तो करना चाहिए, और अगर ऐसी चीजें नहीं है, और ये चीजें देखें स्मेल होती हैं सारी आजकल, एवरीथिंग इज सो ओपन। पाकिस्तानी कौम जितने पॉलिटिकल अवेयर कौम मेरा ख्याल है दुनिया में बहुत कम होंगी, इवन द अमेरिकन पब्लिक प्रोबेबली जनरल पब्लिक इज नॉट एज पॉलिटिकली अवेयर एज द पाकिस्तानी जनरल पब्लिक। Everyone is involved कि आज हुकूमत क्या कर रही है, कल क्या कर रही है, मीडिया अखबार एवरीथिंग, वेरी पॉलिटिकली अवेयर नेशन पाकिस्तानी। तो अगर इतना पॉलिटिकली अवेयर नेशन के साथ आप ऐसी चीज कोई चीज ट्रस्ट नहीं कर सकती, और अब क्योंकि मीडिया इतना ओपन हो गया कि एवरीथिंग कम्स टू द नोटिस ऑफ द आम पर्सन, ही हियर्स 20 किस्म के एनालिसिस और उसके बाद फिर वो कोई चीज ऐसे नहीं एक्सेप्ट करता जो कि मुल्क के खिलाफ हो या इस किस्म की। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थ्रस्ट समथिंग डाउन पाकिस्तान थ्रोट इवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ना हो। आखिर में मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि जो हमारी जो एक गुलामाना सोच है या कि हाथ फैलाने वाली सोच है कि कभी हम एक मुल्क के आगे और कभी हम दूसरे मुल्क के आगे जो है वो चाहते हैं कि भाई हमें इतनी इमदाद दो, हमें इतनी इमदाद दो, हमें क्या करना होगा इस तरह के हम लोग जो है वो अपने एक दूसरे आगे हाथ नहीं फैलाएं, जो हमारे लीडर्स हैं वो खुद सारी वो कशकोल तोड़ें और अपने रिसोर्सेज को जो है वो ओन करके उन्हीं को जो है डेवलप करके कोशिश करें करने की? ये फिर वही आ जाता है लीडरशिप रोल, जिसमें कि आप एक मुल्क को किसी भी नेशन को मोटिवेट करके इन मिनट्स इट कैन स्टैंड अप ऑन इट्स फीट, जो हम आज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हम फैसला करते हैं कि वी विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन आवर ओन वे इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स एंड अदर थिंग्स, फजूल खर्ची नहीं, हमारे फ्रॉम प्राइवेट लेवल टू द गवर्नमेंट लेवल एवरीबॉडी जो गरीब है कम कमाता है उसका भी खर्चा अपने कमाने से ज्यादा होता है, दैट इज अ नेशनल हैबिट आई वुड से। तो अगर हम ये सारी चीजें ठीक करें और एक इरादा करें तो मेरा ख्याल है कि हम अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं विदाउट एनी फुटनेट। ये किस्म ये बातें जो है बड़ी डिफीटिस्ट बातें हैं, ये जो फिगर वर्क वाले सो कॉल्ड इकोनॉमिक विजर्ड टेलीफोन पर आके, मैं हैरान हूँ कि शौकत अजीज के टाइम का फॉरेन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर एक है डॉक्टर सलमान और somebody,